नमस्कार एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योतिष हजार के तारा कृष्ण शर्मा। आप सबका स्वागत करते हुए आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे। आज है 2 मई। चंद्रमा किसमें संचार कर रहा है? तुला राशि में। और साथ ही आज बहुत विशेष दिन है, आज है नारद जयंती और वीणा दान का भी आज का दिन है। और साथ ही अगर हम बात करें कि आज का दिन क्या है, आज है बुधवार का दिन है। और साथ ही ये भी बता दें बुधवार के दिन आज आपको क्या करना है, खास उपाय वो भी बताएंगे। मगर उससे पहले आज हम ये बताते हैं कि आज का जो हमारा शुभ समय है प्रातःकालीन, वो है 6 बजे से लेकर 7:15 तक रहेगा। लंबा समय है, दान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिक्का निकालिए, अन्न निकालिए, एक मुट्ठी निकालिए, दो मुट्ठी निकालिए, मगर निकालिए जरूर अपने परिवार के लोगों का हाथ लगाने के बाद। अब हम बताते हैं, आज है नारद जयंती, वीणा दान का भी आज दिन है। और साथ ही जो है आज जो मंगल है वो मकर राशि में गोचर कर चुका है। तो यहाँ पर क्या पढ़ने वाला है मंगल राशि का प्रभाव मकर राशि पे, इसके साथ ही नारद जयंती पे एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। घर में जो नारद मुनि की तरह एक दूसरे से लोग जो चुगली करते रहते हैं, जिसकी वजह से घर में लड़ाई हो जाती है, तो उसके लिए खास उपाय बताएंगे। मगर उससे पहले राशियों के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा, शुरुआत करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों, भाग्य का पास आपके लिए क्या कहता है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 3, 7 नंबर में। एक मेष राशि वालों में बता दे, संतान की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मगर आज बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। हो सकता है आज आपको यात्रा कुछ लंबी करनी पड़ जाए और वो आपके लिए अच्छी भी रहेगी, क्योंकि आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। हम बात करें अगली राशि हमारी वृषभ। वृषभ राशि वालों, आपके लिए भाग्य के पास का नंबर है नंबर 1 नंबर 3। 3 नंबर ये कहता है कि आज पूजा पाठ की तरफ आपका पूरा ध्यान, यानी अध्यात्म की तरफ ध्यान रहेगा। भगवान की पूजा पाठ की तरफ तो ध्यान तब जाता है जब हम दुखी होते हैं या परेशान होते हैं या खुश होते हैं, क्योंकि हम भगवान हमारा कार्य पूरा कर देता। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखते हैं कि आज जो है भगवान की तरफ आपका पूरा झुकाव रहेगा। साथ ही आज घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग भी अपना आशीर्वाद आपके ऊपर मनाने वाले हैं। हम बात करें अपनी अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों, आपके लिए भाग्य के पास का नंबर है नंबर 1 नंबर 4 नंबर 4 9 नंबर। कहता है मिथुन राशि वालों कि आप जो है सुनी सुनाई बातों के चक्कर में और पड़ोस के लोगों के भी बीच में भी किसी के झगड़ा हो रहा हो, उसमें जाकर आप जो है कहीं ऐसा ना हो कि बीच में वाद विवाद में फंस जाएं, जिसकी वजह से कानूनी वाद विवाद आपके लिए उसके पछड़े में आके हो सकता है आपको मानसिक रूप से पीड़ा हो जाए। हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके लिए भाग्य के पास का नंबर क्या कहता है नंबर 4 नंबर 3 नंबर 1 8 नंबर। ये कहता है कर्क राशि वालों, अपने काम पे पूरा आज आप ध्यान देंगे, आलस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि काम पे जो ध्यान देंगे आने वाला समय आपके लिए उत्तम हो जाएगा। और साथ ही एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आज कोई नई चीज़, यानी नया ऑफर, नई चीज़ आपको मिल सकती है, जिसके चलते जो है आपकी इंक्रीमेंट बढ़ सकती है। हम बात करें सिंह राशि। सिंह राशि वालों, भाग के पास का नंबर आपके लिए कहता है नंबर 4 नंबर 4 नंबर 2 10। काउंट करते हैं 1, ये बताता है कि आज जो है अपने ऑफिस में या व्यापार स्थल पे किसी के साथ में आपका स्वभाव नहीं बन पाएगा। हो सकता है वो आपकी बातें जो हैं उस आप अपनी बातों को किसी के ऊपर आप थोपें और आपकी बात ना माने, जिसकी वजह से हो सकता है कि आज आपके विचार किसी के साथ ना बने। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, भाग्य के पास का नंबर है नंबर 3 नंबर 1 नंबर 4 8 नंबर निकलता है। तो ये बताता है कि आज जो है आप थोड़ा सा अपने सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है कि आज आपके भाई बहनों के साथ में मन मुटाव करा दे, तो अपना ध्यान, अपना स्वभाव थोड़ा सा यहाँ पर इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, भाग के पास का नंबर आपके लिए कहता है नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 7 नंबर। तुला राशि वालों, यहाँ दिखाई दे रहा है कि आज जो है थोड़ा विचलित हो सकते हैं, घूमने फिरने भी जाएंगे, विचलित तो रहेंगे, स्वास्थ्य पर भी आपका यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होता हुआ आपका भी नज़र आ रहा है। मगर एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है, आज आप कहीं मकान की बातचीत कर सकते हैं, मकान खरीदने की बातचीत हो सकती है, आपके जीवन साथी की तरक्की भी दिखाई दे रही है। हम बात करें अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों, भाग के पास का नंबर क्या कहता है नंबर 1 नंबर 4 नंबर 1 6 नंबर दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों,
अचानक धन प्राप्त होने से, अचानक कोई बात होने से आज बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। मगर एक चीज़ ये भी है कि आज अपने मित्रों को अपनी खुशी पूरी तरीके से तब तक ना बताएं जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी धनु। धनु राशि वालों, भाग के पास एक नंबर है, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 4। 8 नंबर निकला धनुराशि वाले। पूरी तरीके से निष्ठा से आज अपना पूरा ध्यान काम पे लगाएंगे, अपनी परेशानियों को छोड़ देंगे और साथ ही अपने जो प्रेमी युगल हैं वो अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताएं और अपनी बातों को शेयर करना सीखें। अपने दिल की बात अगर कहेंगे तो हो सकता है आपकी समस्या का हल मिल जाए। हम बात करें मकर राशि। मकर राशि वालों, भाग के पास एक नंबर है, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3। 9 नंबर ये बताता है मकर राशि वालों आपके लिए कि आज आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आपको तो प्राप्त होगी होगी, क्योंकि आज आपकी राशि में जो मंगल देव आ गए हैं पूरी तरीके से आज आपके कार्य बनेंगे। आपका जो पराक्रम है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मगर यहाँ पर कहीं ईगो की भावना जो आ जाएगी, घमंड आ जाएगा, उससे थोड़ा सा आपको बचना है और आपकी मनचाही बातें सारे कार्य आपके पूरे होंगे। हम बात करते हैं अगली राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों, भाग के पास एक नंबर है, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1, 8 नंबर। कुंभ राशि वालों पूरी तरीके से मेहनत से निष्ठा से जो काम करेंगे हो सकता है आज उसका पूरा फल आपको ना प्राप्त हो, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, मन आपका आज बुझा बुझा रहेगा, जिसकी वजह दुखी भी हो सकते हैं। मगर यहाँ पर संतान की तरफ से आपको प्रसन्नता मिलेगी। हम बात करें मीन राशि। मीन राशि वालों, भाग के पास एक नंबर आपके लिए क्या कहता है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4। मीन राशि वालों आपके लिए ये दिखाई देता है कि आज जो है खर्च ज़्यादा हो सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके भी बनने के योग बनते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही ये भी चीज़ दिखाई देती है आज जो है अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। तो कुल मिला के 12 राशियों का आज आपको हमने उपाय बताया। अब घर में चलता है, नारदगिरी चल रही है घर में, तो आपको क्या करना है? ऐसे में आप जो है आज के दिन एक छोटी सी वीणा ले लीजिएगा, अगर जो प्लास्टिक की होती है वो ले लीजिएगा, नहीं हो तो लकड़ी की वीणा लेके किसी भी मंदिर में जाके आज के दिन भगवान विष्णु को जाकर अर्पित करने से पहले अपने घर परिवार के लोगों से जो पैसा लेंगे उस पैसे को भी उसी में खरीदारी में लगाइएगा। उसके साथ ही आप उसमें एक धागा बांध दीजिएगा। धागा बांधना है अपने परिवार के लोगों, जितने परिवार के लोग हैं उतने ही धागे उस वीणा में बांध दीजिएगा। हल्दी लगा के, स्वास्तिक लगा कर भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिएगा। इससे क्या है, उसके बाद जब चढ़ा दें उसके बाद एक बार वीणा जरूर बजाइएगा, ओम नारायण 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 ये कहते हुए। यकीन मानिए जो वीणा आप वहाँ पे छोड़ के आए आपके घर की कलह कलेश को एकदम दूर हटा देगी। लोगों में जो आपस में इधर उधर की जो बात करने की जो आदतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें कहते हैं कि भाई इधर की बात उधर करना, घर में एकदम झगड़ा लाना, तो ये सारी चीज़ें तभी होती है जब कोई नारदगिरी करता है। तो ये उपाय कर लीजिएगा। एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। जय महादेव।